जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 26 सितंबर और वार है गुरुवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर बाद में प्याज क्या बिका, उसके अलावा किसान भाइयों से बातचीत करेंगे उसमें, जिसमें हम लोग ये पता करेंगे आखिर औसत क्या गया, आपको पूरी तरह से इसमें पता लग जाएगा। क्योंकि आप एक या दो लोट के चक्कर में रहते हैं, मेरा बोलना हमेशा एक ही रहा है कि औसत पे ध्यान लगाइए कि औसत क्या जा रहा। जब किसान भाइयों से तमाम किसान भाइयों से बात करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ समझ में ये आएगी कि आखिर ज़्यादातर किसान भाइयों को माल किस भाव में बिक रहा है। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर, तो उससे आप एक रेंज निकाल पाएंगे कि किस रेंज से किस रेंज तक माल ज़्यादा बिका है। दूसरी चीज़, मैंने हमेशा जितने भी अगर किसान भाई मेरे को स्टार्टिंग से सुन रहे हैं, चाहे वो 40 का भाव हो, चाहे 32 का हो, चाहे 28 को, जो स्टार्टिंग से सुन रहे हैं, मेरा उनसे यही बोलना था और आज भी यही बोलना है कि माल थोड़ा थोड़ा निकालते चलो, माल को रोकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकालते चलो। अब कुछ किसान भाई मुझे ऐसे मिले जिन्होंने स्टॉक किया हुआ और अब वो बोल रहे क्या करें। अरे क्या करें तो क्या करें भाई, थोड़ा थोड़ा हमेशा बोलते आ रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा निकालो ताकि थोड़ा थोड़ा लास्ट में आने के बाद क्या होगा, सभी किसानों के पास भी थोड़ा थोड़ा बचेगा, तो जब थोड़ा थोड़ा बचेगा तो भाव मिल जाएगा। अब देखो अब आगे होने क्या वाला है, जिन किसान भाइयों ने स्टॉक रखा हुआ वो एकदम से माल लाने का प्रयास करेंगे और ये कहने की आवकें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उधर से जब नया प्याज 15-20 दिन बाद चलेगा तो उसका प्रेशर अलग आएगा और इधर का प्रेशर अलग आया, तो आवकें हो जाएगी भरमार और जब आवकें भरमार होगी तो भाव तो मिलना है ही नहीं। हालांकि आज जो 2 रुपये जो डाउन हुआ है या 1.5-2 रुपये जो भी है, इसका मुख्य कारण कोई आवकें कम ज़्यादा नहीं था, आवकें बढ़िया थी, 60 हज़ार के आसपास, 55-60 ही मानो, लेवल ही थोड़ी ठंडी थी। कारण यह था कि आगे डिमांड नहीं थी, डिमांड तो वापस क्रिएट होगी, लेकिन मेरा फिर भी आपसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा जैसा चल रहा है वैसा थोड़ा थोड़ा मार्केट चलने दो, वैसा थोड़ा थोड़ा माल बेचने दो, क्योंकि अगर एक साथ लाने का अब घबराएंगे किसान भाई। जनरली होता ही है कि जब भी डाउन होता है तो किसान और ज़्यादा घबराते हैं, और तोड़ कम हो रहा है तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा ज़्यादा मंडियाँ भरेगा और ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। मैं आपको बता दूँ, अभी जैसा चल रहा है जैसा माल ला रहे हो थोड़ा थोड़ा लाते रहो, अगर घबराहट के कारण एकदम से आपने प्रेशर डाला तो ये 2 रुपये क्या फिर 4-5 रुपये जाएगा, नीचे चला जाएगा। समझदारी यही है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे होगा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी टेंशन नहीं है, पर एकदम से अगर प्रेशर बनाया तो वो डाउन जाना तय है। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा जैसे चल रहा था वैसा मस्ती के साथ चलने दो, 10-15-20 दिन में आप माल निकाल देना, बात खत्म। बाकी जो रिस्क ले रहे हैं वो रिस्क लो, जो खतरों के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अभी चालू किया वो तो उनको खिलाड़ी बोलता हूँ मैं, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो आर या पार की लड़ाई करते या तो इस पार या उस पार, वो मेरे हिसाब से वो समझदारी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए कुछ किसान भाई हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका आज क्या भाव गया, जिससे आपको एक ओवरऑल पता लग जाएगा कि आज औसत में मार्केट क्या रहा, औसत में किसान भाइयों का माल क्या बिका। दादा आपका क्या भाव बिका आज? 37 रुपये। दादा अपना? 38। 38 सवा 38 सवा 38 37 39.50 37 37 रुपये। आपका क्या भैया? अच्छा नहीं लाया। 38 रुपये। दादा आपका? 40 रुपया। 40 इक्का दुक्का है पर 40 ज्यादा नहीं है। दादा अपना क्या बिका? 39.75। अच्छा साथ में, चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। चलिए और भी किसानों से पूछ लेते हैं। देखिए अभी कम से कम 10-12 किसान थे, ऐसे हम लोग तमाम किसान भाई से पूछने का प्रोसेस करते हैं ताकि अपने को एवरेज पता लग जाए। दादा क्या बिकाज? 40 रुपये। दादा अपना? को बहुत अच्छा जो बताते उसके बाद में हमारा गया प्याज 36 रुपये। तो किस टाइप का, थोड़ा चॉकलेटी टाइप था प्याज। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। चलिए और भी किसान भाई, दादा क्या भाव बिका आपका? हमारा भी क्या 36। दादा अपना? 37 रुपये। चलिए और भी किसान भाई मौजूद है उनसे बात करेंगे अपन। दादा क्या भाव बिका आपका? 36। 40 जैसे इक्का दुक्का है 40-41 ना, हाँ ना। आपका क्या बिका दादा? दादा अपना क्या बिका? 38। 34। 41। अच्छा साथ में, दादा अपना क्या बिका? 36। दादा अपना क्या बिका? अच्छा साथ में, दादा अपना? 39। गुलटा 35 से 37 ज़्यादा है ना, डाउन है गुलटे में भी 2-3 रुपये, बाकी ऊँचे 40-41 तक 1-2 लौट गए, बाकी 37-38-39 ये वाला एवरेज अभी तक दिख रहा 35 से 37-38 है ना। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। चलिए और भी किसान भाई उनसे बात करेंगे अपन। दादा आपका क्या भाव बिका? 40 रुपये। चलिए और भी पूछेंगे, दादा क्या बिका अपना? हाँ भाई, क्या भाव बिका? मैं तो गाड़ी लेकर। अच्छा गाड़ी लेके आए। चलिए और भी आगे चलते हैं, और किसान भाइयों से भी पूछेंगे अपन। बिक गया, क्या भाव बिका? 3800।
फिक्स दादा अपना, दादा अपना क्या 3300। चलिए और भी किसानों से पूछते हैं, तमाम तरह के किसानों से। दादा अपना क्या भाव बिका, क्या भाव बिका? 38.5 35 रुपये। चलिए और भी चलते हैं, आगे पूछते जाएंगे भैया। दादा जय जवान जय किसान, क्या भाव बिका? 37.50। सुनील भैया आज औसत और वो क्या क्या मध्य भैया 304 और क्या ऊंचे में कहाँ तक? 38.39। 36.37। आज बिका 3700। दादा उधर और किसका बिक गया, आपका बिक गया? क्या बिका आपका? 37। दादा अपना 35। दादा अपना 40। दादा अपना क्या बिका, क्या भाव बिका अपना? ये वो गोल्टी थी आज, तो कौन सी वाली है? 36 रुपये बिकी। अच्छा गोल्टी। दादा अपनी क्या बिका? 35। दादा अपना 34। दादा अपना 40। 38। 37। चलिए और भी किसान भाइयों से बात करते हैं और पता चले। जय जवान जय किसान जय बलराम। चलिए और किसान भाइयों से बात करेंगे चल के। दादा माल भी क्या? 31 कल भी था। वही वाला माल है, दूसरा माल है, यार इतना अंतर कैसे आ गया? आपका क्या बिका? 31। दादा अपना? अपना 41। 41 एक दो लोट होंगे यार, 41-40। हाँ मेरा बोलना है कि 35 से लेकर के 37-38 तक ज्यादा है, 36 ज्यादा है ना, 38 से लेकर 40। नहीं 40 ज्यादा नहीं है, 40-41 तो कुछ कुछ ही है। 40-41 कुछ कुछ। 35 से लेकर के 37-38 तक है ज्यादातर, बाकी तो फिर 39-40-41 इक्का दुक्का ही है, 39-40 और 41 है ना। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। चलिए आगे चलते, क्या भाव बिका आपका? 38। चलिए और भी पूछते हैं, क्या भाव बिका इनका? मार्केट यार डाउन है थोड़ा सा, है ना, 1-2 लोट होंगे, 1,41,000-1,04,000 रुपये। अच्छा बाकी 35 से लेकर 38 ज्यादा, 37-38 ना, वो ज्यादा मार्केट है, बाकी तो 39-40-41 का दुक्का होगा। दादा आपका क्या बिका? अच्छा अभी बिका। चलिए और किसान भाई से पूछते हैं, आपका बिक गया? क्या भाव बिका? 3800 बिका। दादा अपना क्या बिका? 3500। आपका क्या बिका? 37.5। दादा अपना 37। चलिए और भी किसानों से पूछेंगे, दादा अपना क्या बिका? अपना 38 रुपया। अभी इसमें है कि हो गया पेक? अच्छा जय जवान जय किसान। शांति रखो यार भाई, आधा तो व्यू खराब कर दो, पहली बात तो चोरी करना बंद करो। मद्दी आज भी मद्दी है ना, वो तो बोल रहा हूँ, कल भी थी मद्दी। क्या चल भाव कम हो गया? इसको भाव कम हो गया, इसको हो रहा है अब ये जब अच्छा जाएगा तो दादा बिक गया माल। क्या भाव बिका? 38-39। ये वाला उल्टा भाई, ये वाला गया 39 रुपये के हिसाब से उल्टा देखा। ओहो क्या भाव बिका? 36-37। दादा अपना क्या भाव? 36। पहले कब लाए थे आप? पहले लाए थे हम 10-11 तारीख। तब क्या गया था वो? 34। एक बार मोए मोए कर दो, मोए मोए, अरे कर दो यार मोए मोए। चलिए और भी किसानों से पूछते हैं, उधर किसान भाई क्या भाव? 35। 35। आवक कम होने के बाद? आवक कम है फिर भी, वो तो देखो मार्केट ठंडा आज भी है ना। क्या 35 से लेके 37-38? 40 रुपये भी बिका है, 40 इक्का दुक्का है, पर वो तो है ना 39-40 इक्का डाउन है वैसे मार्केट। 18-20 अच्छी वाली, बाकी तो सब 10-11 वो तो बिल्कुल खराब, वो पूस टाइप का होगा, वो तो पूरा खत्म ना। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। रोहित, आपका क्या भाव बिका? अपना 35 रुपये। 35 अपना 35। अपना क्या बिका? 41-25। पर एक दो लोटी है वो? नहीं नहीं पूरा। अरे दादा जो है 35 से 37-38 ज्यादा बिका आज। आपका क्या बिका? 33। देखो आ रहा हो सर, 35-38 35
सैतीस। अब जय जवान जय किसान जय बलराम। आपका क्या बिका? सैतीस। ये सैतीस अड़तीस। तो कहने का मतलब एक इकतालीस तो उसको भाव मत मानो, मैं ही बोल रहा हूँ आपको। अच्छी बात है, पार्टी तो आप तो बोलता हूँ, पर मेरा बोलना कि ओवरऑल जो किसानों का जो औसत गया वो 35 से लेकर 37 38 तक ज्यादा बिका है, फिर 39 और कोई कोई 40 और इक्का दुक्का 41, उससे ज्यादा मार्केट आज नहीं है। सावरिया सेठ की जय। चलिए दादा ठीक है दादा। आपका आपका क्या बिका दादा? 38। दादा अपना छत्तीस। अच्छा देखने दादा अपना क्या बिका आज? नहीं लेके आया अपना दादा 36। आज गुल्लू भैया हो सर 35 से लेके 36 हमने 40 रुपए बेचा है। आओ एक का दुक्के होंगे वहाँ। कल 41 तक बेचा था, आज डाउन है। आज भी 36 38 जैसा माल है ना, जैसा माल वैसा भाव। गोल्टे भी डाउन था आज, वैसे तो डाउन था 37 38 रुपए है ना आखिरी। और आज 35 से इनका इंटरव्यू है, बहुत बढ़िया खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं टोटल। इसके तो कोई यूरिया नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं डालते, इनका पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन आप करते भैया? अच्छा कहाँ से आप? तो मतलब पूरी रासायनिक, मतलब ये रासायनिक खेती आप नहीं करते हैं? तो मतलब किस तरह से क्या कर रहे हो उसमें? अच्छा गोबर की खेती है। अच्छा प्रोडक्शन भी ठीक आ रहा है कि कम आता क्या है? ठीक ठाक। बाकी ये कि हाँ सेहत के लिए अच्छी चीज़ है वैसे, वो खूबसूरत नहीं रहती है। खूबसूरत नहीं रहती है, ये आपकी बात सही है। ज़माना ऐसा हो गया है कि जो दिखता है जबकि वास्तविकता की उस खूबसूरती में नहीं है, वो जो आपने जो पैदा आप जो कर रहे हो जो गुण है वो गुण उसी में है। पर अब क्या कर सकते हैं, जिस हिसाब से समाज चल रहा है उस हिसाब से कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ इस खेती की तरफ जाना चाहिए कहीं ना कहीं। बात अब आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। धीरे 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 लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, जो जो आज लोग उसको खा नहीं रहे वो धीरे धीरे समझेंगे उस वैल्यू, और फिर उसके बाद सही है। चले जय जवान जय किसान जय बलराम। आपका बिक गया क्या? बिका अपना 30। ये वो वाला गुल्लू भाई, ये दादा अपना 40 इक्का दुक्का 40 वाले। चलिए और भी पूछते किसान भाई से। क्या भाव बिका आज? 3650। दादा अपना क्या बिका? 38। चलिए जय जवान जय किसान। ठीक है दादा।